बंद करो मैडम, बंद करो ना। ये लोकतंत्र के पर्व में आज कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया मुझे, आज मैंने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है और हम नीमच क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आने वाला समय उनका आ रहा है और जिस तरह से 18 साल के प्रशासन में नीमच का विकास रुका हुआ था, झूठे आश्वासन झूठी घोषणाओं पर हमारे विधायक भी जिंदा थे। हम ये चाहते हैं कि नीमच क्षेत्र का विकास हो, झूठी घोषणाएं झूठे आश्वासन और झूठे जो है उद्घाटन बंद हो और नीमच का विकास हो। कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया, 18 साल की सरकार बनी है। ऐसे ऐसे काम 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने किए हैं, वो काम 18 साल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं करवा पाए। ऐसी स्थिति में यहाँ क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है, जनता ने निर्णय कर लिया है कि परिवर्तन लाना है, नीमच में कांग्रेस को लाना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और नीमच क्षेत्र को विकास करवाना है। क्या क्या कुछ और खास मुद्दे रहेंगे प्रमुखता से? देखो ये तो मुद्दे तो बहुत है, नीमच की बंगला बगीचे की समस्या को 18 साल से लटकाए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। यहाँ की अवैध कॉलोनियों को अवैध करने की सिर्फ घोषणाएं की जा रही है, यहाँ पे गरीब मोहल्लों में जो है मूलभूत समस्याएं नहीं हो पाई है, उसको हम करवाएंगे। जो फोर लेन होना था डोंगलावदा से फाटखेड़ा का, वो जो नहीं करवा पाए हम करवाएंगे। 3 साल से पुलिया का काम पूरा नहीं करवा पाए, 2 ब्रिज यहाँ पर नहीं करवा पाए। नीमच में 200 बार आश्वासन दे दिए कि नीमच के लोगों को 3 मंजिल पर पानी मिलेगा और दोनों टाइम पानी मिलेगा, अभी भी 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं करवा पाए और यहाँ जनता की अपेक्षा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी और हमारी समस्याओं को हल करेगी और हम सब मिलकर जनता के साथ मिलकर काम करें। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखो ये हम तो इस पर्व में शामिल हो रहे हैं, हमने आज नामांकन दाखिल किया है, लेकिन नीमच की जनता मुझे विश्वास है क्योंकि इनके बीच में लगभग 38 साल से काम कर रहा हूँ विभिन्न पदों पर रहते हुए और मैंने यहाँ का लोगों की अपेक्षाएं हैं मुझे कि निश्चित रूप से ये मुझे भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे और इस क्षेत्र के विकास करवाएंगे।